अनुष्ठान कर लिया, मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, अब कहें क्या। जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी बताइए ये है कौन। तो किसी के भी बात की गंभीरता को समाप्त करना हो तो वहां हंस दीजिए। हंसने से बात की गंभीरता कम हो जाती है। जैसे जनक जी ने प्रश्न किया है, कह मुनि बिहसी हरे नृप नीका। हंस कर विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी आप गलत थोड़ी कहेंगे। मन ही मन सोचते हैं धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में आपने पहचान लिया कि ये ब्रह्म है, मैं मुनि हूं, लेकिन जब तक राम ने ताड़का का वध नहीं किया तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये ब्रह्म है, आप तो मेरे से भी बड़े निकल गए, धन्य है महाराज जनक। जनक जी से विश्वामित्र जी कहें कि संसार के जितने नर नारी हैं सब इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी मुस्कुराए, गुरु जी मेरा गुप्त रूप छिपा के रखिए, उसे प्रकट मत होने दीजिए। तब राम जी का लौकिक परिचय कराते हुए विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ने परिचय कराया, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इन दोनों को मेरे साथ भेजा। अब देखिए जनक जी सुने कि राज घराने के हैं तो प्रसन्न हो गए, चलिए क्षत्रिय है बात बन सकती है, लेकिन अगले क्षण फिर सोचे देखने में तो छोटे हैं, क्या इनसे धनुष उठेगा। तो जनक जी के इस भाव का समाधान करने के लिए गुरु जी बोले, ये दोनों मखरा खेउ सब साथी जग जीते असुर संग्राम। जनक जी इन दोनों भाइयों ने बड़े बड़े निशाचरों को समाप्त कर दिया है यज्ञ की रक्षा में, ये करके निश्चिंत किया जनक जी को कि ये राम जी धनुष तोड़ने में सक्षम हैं। जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी को ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर घर में, कहें तो मेरी सीता मैया के घर में ले जाकर राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को स्थान दिया। अब यहां पर लोग अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, महाराज सीता जी के घर में क्यों रखा है ना, आप दर्शन करिए, आपके घर में जब कोई बहुत वीवीआईपी आदमी आ जाए तो आप उसको अपने घर के सबसे सुंदर कमरे में स्थान देते हैं, और मिथिला में सबसे सुंदर महल किसी का था तो वो मेरी किशोरी मैया का महल था, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था, इसलिए रखा। और इसका दूसरा कारण, राम जी भगवान है, सीता जी कहाँ क्या है, भक्ति है, भगवान सदैव भक्ति के ही घर में वास करते हैं, इधर उधर भगवान रहने वाले नहीं है, इसलिए जनक जी महाराज ने ले जाकर सीता जी के महल में राम जी को वास दिया। दोपहर में भोजन भया, विश्राम, विश्राम के बाद जगे, जगने के बाद गुरु चेला बैठे थे। अब यहां पर दर्शन करिए, पूरे मिथिला में ये सूचना फैल गई है, पूरी मिथिला में
अब आप कहोगे महाराज कैसे फैल गई, तो महाराज अकेले नहीं गए थे, मंत्रिमंडल के लोग गए थे, भट्ट गए थे, ब्राह्मण गए थे। तो वो लोग जाकर जनकपुर में चारों तरफ बोल दिए कि ऐसे दो राजकुमार आए हैं जिनको देखकर महाराज की बुद्धि हरा गई। ये बात पूरे मिथिला में फैल गई। अब मिथिला के लोग सोचने लगे इतने सुंदर है, हमको दर्शन मिल जाता तो कितना आनंद होता, लेकिन बड़े लोग हैं, जनक जी बाहर थोड़ी उनको घूमने देंगे। अब इन लोगों को दर्शन कैसे मिले, तो इसकी व्यवस्था लक्ष्मण भैया ने कराई। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है। लक्ष्मण जी क्या है? जीवाचार्य, जीवों के आचार्य है। कौन? लक्ष्मण भैया। और आचार्य का एक ही काम है कि अपने नीचे आने वाले जीव को भगवान तक कैसे पहुंचाया जाए, ये आचार्य का काम है। आचार्य अपने शिष्य को अपने में नहीं फंसाता, आचार्य अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचा देता है। लक्ष्मण जी पूरे जगत के आचार्य हैं, जीवों के जीवाचार्य। तो मिथिला वासियों को भगवान का कैसे दर्शन प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था लक्ष्मण जी ने की। लक्ष्मण जी का मन है नगर घूमने का, लेकिन डर के मारे नहीं कहते हैं। तो राम जी लक्ष्मण जी की बात गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाहि प्रभु सको चर प्रग देव। ये राम जी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं लेकर जाता हूं, नगर दिखाकर तुरंत ले आता हूं। गुरु जी विचार करने लगे, नगर वो दिखाएगा जो पहले देख कर गया है। अब हम आपको कहें कि चलिए हम आपको बांदकपुर ले चलते हैं, हम कहां ले जाएंगे, निकलते भूल जाएंगे, तो हम आपको क्या घुमाएंगे। गुरुदेव समझ गए कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए आज्ञा देते हुए कहा राम लक्ष्मण जी से, राम लक्ष्मण जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। गुरुदेव ने कहा जाइए नगर का दर्शन करिए और नगर वासियों को अपना दर्शन कराइए, कराकर आप दोनों शीघ्र आइए। जैसे राम लक्ष्मण जी चले, बाबा कहते हैं इज देखन नगरा भूप को सूचना मिली, लोग दौड़ पड़े घर से, धाए धाम काम सब
त्यागी। धाम काम छोड़कर लोग दौड़ पड़े, क्यों छोड़े महाराज? कहे बिना काम समाप्त हुए भगवान कहां से मिलने वाले हैं? वो जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। राम तभी मिलेंगे जब काम समाप्त होगा। तो लोग दौड़े कैसे? काम छोड़कर भगवान के लिए दौड़े, धाम छोड़े। बिना घर छोड़े भगवान मिलत है का है? लोग घर छोड़कर बाहर दौड़े। अब यहां पर प्रश्न उठता है, तो क्या जो घर में रहते हैं उनको भगवान नहीं मिलेंगे? उनको भी मिलेंगे। पुरुष लोग घर छोड़कर बाहर चले गए, घर के भीतर कौन रह गया? तो सखियां और माताएं मर्यादावश घर में रह गईं, तो उनको भगवान कैसे मिलेंगे? जुबती भवना झरोखन लागी। माताएं सखियां घर के झरोखों पर खड़ी हो गई। अब यहां पर दो बात समझिएगा। पहली बात, यदि आप में पुरुषार्थ है, अपने पुरुषार्थ पर आपको भरोसा है, तो पुरुषार्थ के बल से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा है, तो आप कुछ मत करिए, भगवान के भरोसे बैठिए, भगवान चल के आकर आपको दर्शन देंगे। जो पुरुष थे उनके पास पुरुषार्थ था तो घर छोड़कर दौड़ पड़े, और जो मर्यादा में माताएं सखियां बंधी हैं वो घर के छतों पे जाके खड़ी हो गई। भगवान तो आके दर्शन देंगे ही। इन दोनों का बड़ा सटीक उदाहरण मैं दूं आपको। एक ही घर में दो लोगों को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। एक ही घर में किसको? दादाजी को मिला और पोते को मिला। दादाजी कौन? तो महाराज मनु को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, और उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। आप लोग सुने होंगे भागवत जी की कथा में, मानस का प्रसंग नहीं है लेकिन प्रसंग आया। अब दादाजी को 23,000 साल तपस्या करने के बाद मिला, अब पोते को बताइए बताइए 5 महीने में। क्या अद्भुत बात! दादाजी 23,000 वर्ष तपस्या किए तब भगवान दिखाई पड़े, और उन्हीं के घर का छोटा सा बालक पोता उनका 5 महीना तपस्या में बैठा रहा, भगवान दिखाई पड़ गए। क्यों? दादाजी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था, मैं तपस्या करके भगवान का दर्शन जरूर पा लूंगा। तो पुरुषार्थ पे भरोसा था तो 23,000 वर्ष लगा, और पोते को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, उसे भगवान की करुणा पर भरोसा था, तो उसको 5 महीने में ही दर्शन प्राप्त हो गया। मार्ग दोनों है, हमारे आपके ऊपर है, हम किस मार्ग का चयन करते हैं। सखियां छतों पर झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई और आपस में बात करने लगी। क्या? अरे सखी है देखू ना, ये दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखू ना, दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखू ना, दोनों भैया सांवर गोर। अब तक न देखनी हामा ऐसन सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हामा ऐसन सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हामा ऐसन सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हामा ऐसन सुरतिया सखी है।
पहला सिपाही थी इनके अखिए में बसई थी सखी है देखती हैं और आपस में बात करती हैं। कहो शुरू हो गए इंद्र भगवान, तो बारात में चलने के लिए तैयार है ना आज। अब कहां बुलावे हम, मंच पे बुलावे? कह रहे आगे बढ़ाइए, कहां बढ़ा दे, बताइए आप लोग बढ़ सकते हो आगे? अब हम कहेंगे नहीं, अब आपके ऊपर है। बढ़ जाएंगे, बढ़ाइए। हाँ बोल गए, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा बन जाए तो आज आप लोग आ जाइए, शांति बनाए आप लोग, धीरे धीरे आइए आगे, थोड़ा सा हम कथा आगे बढ़ाते हैं। सखियां आपस में भाव रखती हैं, यदि महाराज इन सांवले को देख लें तो बरबस प्रण का त्याग करके सीता जी का इनके साथ विवाह करा देंगे। एक सखी कहती है महाराज इनको देख कर पहचान भी लिए हैं, परंतु अब तक महाराज अपने प्रण का त्याग नहीं किए हैं। एक सखी ने कहा देखो ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, यदि ये बात सत्य है तो मेरी बात मानो, ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा। क्यों? जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले वर को भी बनाया है। सखियां अपने मन का भाव रखती हैं, इसी में किसी ने संशय रख दिया। बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं ये बारे कुंवर मन में शंका बनी रह गई पर धनुष कैसे तोड़ेंगे। सखी ने कहा कितने छोटे हैं,
इनसे धनुष उठेगा तोड़ना तो दूर, उठेगा भी नहीं। तब तक दूसरी सखी ने इस संशय का समाधान रखा। बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी है। जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया हो, जिसके चरण रज के स्पर्श मात्र से अहिल्या जी को सद्गति प्राप्त हो गई हो, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानिए, जिन जिन भगवान ब्रह्मा ने सीता को बनाया है, वही सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो सीता का ये सांवला ही बनेगा। सखियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं, भगवान दर्शन देते हैं, सखियां गदगद हो गए दर्शन प्राप्त करके। जाहि जहां जहां बंधु लो तहां तहां परमानंद। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए और उसके बाद आकर गुरुदेव भगवान के पास संध्या भई बयारू आरती रात्रि भोजन फिर विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोए। गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी आप विश्राम करिए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। लक्ष्मण जी दबा कैसे रहे हैं, आप दबाने की विधि का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, चापत चरना लखन ओर लाए सभय सप्रे सोने गए तो लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों की सेवा प्रारंभ किए। कैसे कर रहे हैं? चापत चरना, चापत समझ रहे हैं ना, दबाना। कैसे? लखन उरलाए, चरणों को दबा रहे हैं और उस चरण को हृदय में पधराए हुए हैं। दबा कैसे रहे हैं? सभया सप्रेम परम सचु पाए। अब यहां एक बड़ी अच्छी बात, सभय यानी भय के साथ, असप्रेम यानी प्रेम के साथ, तो एक ही व्यवहार में प्रेम और भय दोनों कहां से आ गया? चरण दबा रहे हैं, भय भी लग रहा है और प्रेम भी हो रहा है, ये दोनों कैसे हो गया हो? सभय क्यों दबाते हुए? सभय इसलिए है कि कहीं कहीं जोर से न दब जाए। यदि जोर से दब जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, इसलिए भय है।
अब प्रेम क्यों, जिन चरणों को मन में देखने के लिए मुनि लोग देवता लोग जीवन भर यत्न करते हैं, उन्हीं चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य लक्ष्मण को प्राप्त हो रहा है, इससे प्रेम बढ़ गया। देखिए चरण की सेवा भी सब नहीं कर सकते, जो अपने घर में कभी अपने श्रेष्ठ का पांव नहीं दबाया होगा उसको दे दीजिए पांव दबाने के लिए, ऐसा रगड़ेगा कि आपके पांव के 10-12 बाल तो स्वाहा हो जाएंगे। ये भी एक भाव का विषय है, हो कैसे सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी सभय सप्रेम प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। थोड़ी देर बाद राम जी ने कहा भैया अब आप भी सो जाइए, तो लक्ष्मण जी अपने बेडरूम में नहीं गए, कहां गए, कहीं गए नहीं, पांव दबा रहे थे गोद में लेके, वहीं दबाते दबाते पौढ़े हरे जल चा, भगवान के चरणों को हाथ से पकड़े पकड़े लक्ष्मण जी वहीं लुढ़क गए, वहीं लेट गए, और सोए भी तो एकदम कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोए। कई लोग सोते हैं तो मान लो भगवान ने अब आके जगाएंगे उनको, घंटा पीटो दरवाजा पीटो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महल के भीतर लक्ष्मण जी सोए हैं, अब मुर्गे ने आवाज कहां लगाई बाहर, आप कल्पना करिए कितनी आवाज आई होगी धीमी, और उस प्रातः काल मुर्गे की बाग को सुनकर उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सो जा। लक्ष्मण भैया जगे, राम जी के चरणों की सेवा किए करने लगे, फिर राम जी जगे, फिर दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए, तो सबसे अंत में गुरुदेव जगे। अब प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर भैया लक्ष्मण के साथ मेरे प्रभु श्री राम जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए पहुंचे। बाग कैसा है, अद्वितीय बाग है, अनुपम बाग है, बाग के एक भी पौधे में सूखे पत्ते नहीं लगे हैं, न सूखा पुष्प है न सूखा फल है। जिसका मन सूखा होता है उसके घर के सारे वस्तुएं सूखी हो जाती है, मन सूखा ना होना चाहिए है? कहा जाता है जैसा जीवन होता है हो वैसा हमारा घन बन जाता है। जनक जी महाराज परम विरक्त भाव में रहने वाले महाराज ज्ञानी जनक की नगरी में ये बाग है। इस बाग को देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित होते हैं। चातक कोयल कीर चकोर मोर आकर चहचहा रहे हैं। बाग के मध्य में सुंदर सरोवर है, सरोवर के निकट माँ पार्वती का मंदिर है। भगवान आए चारों तरफ देखें और मालियों से अनुमति मांगने लगे। मालियों ने मना कर दिया, नहीं जाने देंगे। क्यों मना कर दिया? माली कहते हैं आपको हम बगिया बीच जानी न दई हो, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी कहे अरे हम पुष्प लेने आए हैं। बोले हम है ना दल फूल तोड़ी हम ले हो, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा हमको जाने क्यों नहीं देंगे आप? मालियों ने कहा आपके भैया ने आते समय किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी बोले मेरे सामने ही रखा था। क्या भैया जादू? भैया ने पांव रखा पत्थर स्त्री बन के उड़ गई, वो स्त्री उड़ गई, पत्थर स्त्री बना और उसके बाद वो स्त्री उड़ गई। माली कहते हैं क्या बात है, इतना जादू है भैया में आप में हा? अरे पद पर सत उड़ गई शिला थी, हमको डर है यही। अरे कर पड़त बिटप उड़ी जई है,
पांव के जादू से पत्थर उड़ गया और वही हाथ का जादू इन पेड़ों पर लग गया और ये वृक्ष उड़ जाएंगे, तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी कहे उसकी गारंटी मैं लेता हूं, एक भी आपका पौधा कम नहीं होगा। अब तो जाने दो। बोले नहीं जाने देंगे। क्यों? आपके भैया का मुख कमल का पुष्प लग रहा है। नवकंज लोचन, कंज माने कमल, लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। आपके भैया का जो मुख है ना, वो कमल का पुष्प है। यदि ये भीतर गए तो सारे बगीचे के भौरे, अरे तज तज सुमन मधुप मतवारे। आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही है। राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले वो हमारा टेंशन है, हम हीट स्प्रे लेकर आए हैं, जैसे आएंगे हम उसमें चला देंगे, आप हमको जाने दो पहले। मालियों ने कहा एक उपाय है। क्या? आप दोनों भाई मिलकर जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है। माली कहते प्रभु जब तक आप दोनों भाई हमारी किशोरी जी का जय नहीं कहिएगा हम भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले आपकी किशोरी जी का जय हम क्यों करें, हम तो भैया का जय करेंगे। राम जी बोले पागल हो, किसी बहाने तो जाने के लिए तैयार हुए हैं। अरे भैया हम बोलेंगे जय, बोलेंगे आप लोग बोलेंगे ना जय? हाँ। तो राम जी बोले हम तैयार है बोलने के लिए। मालियों ने कहा जोर से बोलिएगा जयकारा, बोलिए किशोरी मैया की जय। माली मुस्कुराए कहे प्रभु संसार में ऐसा कौन जन्म ले लिया जो आपको रोक दे। प्रभु हम तो जानबूझकर आपसे विनोद कर रहे थे, इसी बहाने 10 मिनट आपको निहारने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो गया। प्रभु आप जाइए जाकर पुष्प दल लीजिए। राम जी गए अलगे ले न दल फूला मोदिता। एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान क्या करने लगे, पुष्प दल लेने लगे। ये गुलाब का फूल लगा हुआ है, मान लीजिए इसको पौधा मान लीजिए, ये पुष्प लगा हुआ है, ये लेना नहीं हुआ, ये उतारना हुआ। ये लेना नहीं है, ये पुष्प उतारना है। यहां लिखा है भगवान लेने लगे। लेंगे कब? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। तो भगवान को दे कौन रहा? भगवान पुष्प दल ले रहे हैं तो राम जी को ये दल दे कौन रहा है? अब दर्शन करिए, सीता जी का जन्म कहां से भया? धरती से। ये पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? धरती से। तो ये पेड़ पौधे मेरी सीता मैया के भाई हो गए, और यदि सीता मैया के भाई हो गए तो मेरे राम जी के क्या हो गए? होने वाले, होने वाले साले हो गए ना। अब आप बताओ कौन साला चाहेगा कि हमारे जीजा जी को हमारे घर में काम करना पड़े? कोई साला चाहेगा कि हमारे जीजा जी को हमारे घर में काम करना पड़े? फिर राम जी फूलों का दोना हाथ में लेके चलते गए और सारे पेड़ पौधे अपने आप झुक झुक के प्रभु के दोने में पुष्प डालते गए। यही कहा गया है लगे लेन दल फूल, भगवान पुष्प दल लेने लगे। उसी समय मेरी माँ अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आती हैं और पूजा करके सीता जी पार्वती जी से मांगने लगी, क्या
अरे सिया मांग रही अवध कुराज सर जुजी नहाने कौशल्या जैसी सास सिया मांगे रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे ससुर चक्रवर्ती महाराज भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन मांगे स्वामी हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज मांगे तुलसी से हाँ मांगे तुलसी से संत समाज स्वामी राम रघुराज सरजू जी नहाने माँ पूजा करती हैं और पूजा करके पार्वती मैया से अपने लिए एक सुंदर योग्य वर मांगती हैं। माँ के साथ उनकी 8 सखियां हैं और 8 सखी में से एक चतुर सखी क्या कही आई थी पूजा करने पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब जैसे आप किसी को सागर से किसी को लेकर आइए चलो कथा सुनने दमोह और आप यहां कथा पंडाल में बैठे तो निकल के दमोह बाजार में चाट खाने लगा घूम घूम के। सखियां आई हैं पूजा करने और ये सखी पूजा छोड़ के गई रही देखन फुलवारी वो फुलवारी देखने गई। हमको तो लगता है देखने नहीं गई ये मेरे राम जी की लीला थी
कि उस लीला ने उसको वहां तक बुला लिया। क्यों? जब यदि वो देख कर ना जाकर सीता जी को बताती तो सीता जी मेरी राम जी के पास कहां से पहुंचती। उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया और भगवान को देखने के बाद इतनी विह्वल हो गई हो है, पूरा शरीर कांपने लगा, बताने में के लिए इतनी उतावली हो गई कि दौड़ कर गई मंदिर में, पूरा शरीर कांप रहा है, रोम पुलकित है, पांव इधर उधर पड़ रहे हैं। सखियां पूछती हैं, तुमने क्या देख लिया, तुम्हारी ये दशा? हमारे भोजपुरी के कवि है, नहीं रहे अब तो, गायत्री ठाकुर जी, वो कहते थे, सखियां उस सखी से पूछती हैं, अरे झूमत आवे लुहासा आ खुशी रुकले नहीं रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नाया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात। वो कहती है, हमारे महाराज जी कहते हैं, क्या कहती सखी, अरे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 हाथों में फूलों का दोना सो सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोह लिए नर ना यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, तीनों की सुनते पुकार मार मैंने देखे के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके है, सबके है प्राण आधार, सागर दशरथ दुलारे, सागर दशरथ दुलारे, करुणा
से करते हैं प्यार। कहती है, वही कल जो नगर में दोनों आए थे राजकुमार, इस समय बाग में आ गए हैं। एक कहती है, कैसे हैं? अरे बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। अच्छा, और बताओ? बहुत कम उम्र है उन लोगों की। अच्छा, और बताओ? तो एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अच्छा, और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। क्यों? कहती है, जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बता सकती है उनके पास आंख नहीं कि उन्होंने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा हो सकता है क्या? हम तो कहते हैं एक बार चलकर उनको अवश्य देख लेना चाहिए। मेरी माँ सीता जी उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जीवन में प्रसंग कहता है, माई बाप, जीवन में पीछे चलना भी हो तो उसी के पीछे चलना चाहिए जिसके पीछे चलते चलते हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। सबके पीछे भी नहीं चलना चाहिए। ये सखी जो राम जी को देख कर आई है, आज सीता मैया उस सखी के पीछे पीछे चलती है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उस सखी को आगे करके मेरी माँ चल पड़ी। नारद जी की बात याद आ रही है। नारद जी ने मेरी माँ सीता को पहले ही कह दिया था, सीता जी स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातःकाल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। सीता जी, नारद जी की ये बात याद करके माँ का जो प्रेम दबा हुआ था वो प्रेम प्रकट हो गया। माँ चल पड़ी, माँ के हाथ का कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल सब बजने लगे और ये आवाज मेरे राम जी के कानों तक गए। राम जी कहे, लक्ष्मण आवाज सुन रहे हो? ऐसा लगता है मानो कामदेव चले हो विश्व को विजय करने। अभी प्रभु कह ही रहे थे तब तक सीता जी दिखाई पड़ गई। किसको? राम जी को। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई पुष्प बाद में लीजिएगा, तनिक उधर देख लीजिए। कहा? राम जी परिचय कराते हैं, भाई ताता तना तनया
राम जी ने लक्ष्मण जी को मेरी माँ सीता जी का दर्शन कराते हुए कहा, हे भाई तात, ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके निमित्त महाराज जनक ने धनुष यज्ञ की रचना की है। लक्ष्मण जी बोले, यहाँ क्या कर रही हैं? सवेरे सवेरे राम जी बोले, यहाँ पर पूजन गौरी सखी ले आई और करत प्रकाश फिरई फुलवाई। अपने अलौकिक सौंदर्य की आभा से आज ये पूरे पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही है। भाई, यहां पर मुझे लगता है पार्वती जी की पूजा करने आई है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, हम रघुवंशी हैं, स्वप्न में भी हम पराई स्त्री का स्मरण नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण, आज मेरा मन इन पर क्यों आकर्षित हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। सो सब कारण विधाता जाने। लक्ष्मण जी मन ही मन कहे, भैया जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है प्रभु। अभी दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे, तब तक उस सखी ने एक लता के ओट में आकर और मेरी माँ को प्रभु का दर्शन करा दिया। और आपको बताऊं, माँ ने जब राघव जी को देखा ना हो, ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ धन सामने आकर खड़ा हो गया। माँ के नेत्र ललचाने लगे, देखना तो चाहती हैं, लेकिन मारे सखियों के संकोच के माँ ठीक से भगवान को देख नहीं पा रही है। मन ही मन कहती है माँ, अरे तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। क्यों? नयना मेरा खूं तो ही आ मोरा तर से, नयनों मेरा खूं तो ही आ मोरा तर से, और ही आ मेरा खूं तो राखूं तो नयन पर से हो, कवन विधि से ओहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। अरे कवन विधि से हो, कवन विधि से। माँ ने प्रभु के रूप को लिया, आंखों के रास्ते से भीतर प्रवेश कराया और ले जाकर हृदय के सिंहासन पर राम जी को बिठा दिया। फिर माँ सोची, जिस द्वार से ले गई हूं, यदि द्वार खुला रह गया तो कहीं भाग न जाए, तो माँ ने इस नेत्र रूपी दरवाजे में ये जो पलक रूपी किवाड़ लगा है, भगवान को भीतर ले जाने के बाद माँ ने पलक रूपी किवाड़ को बंद कर दिया। ये भगवान को देखने की विधि है। भगवान को देखिए। आपको एक मैं वैज्ञानिक बात बताऊं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब तो नहीं आता, पहले फोटो लिया जाता था तो कैमरे से रील वाला कैमरा होता था, उसमें 36 या 37 निगेटिव रहते थे जिसमें फोटो लिया जाता था। उसको धो लेने के बाद, फोटो लेने के बाद जब दुकान में देते थे, दुकान वाले उसको धोकर उसका पॉजिटिव बना के फोटो देते थे और साथ में वो निगेटिव रील भी देते थे।
तो उस निगेटिव में देखने पर वो फोटो दिखाई पड़ता था, लेकिन उसमें रंग वंग नहीं दिखता था, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं था, वो अजीब दिखाई पड़ता था, काला काला, लेकिन चेहरा दिखाई पड़ता था, उसको निगेटिव कहते हैं। मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, किसी भी फोटो का आप निगेटिव बना सकते हैं, किसी भी फोटो का निगेटिव आप लीजिएगा आज भी, और उसके किसी एक पॉइंट पर, जैसे नाक है, नाक पर ही आंखों को टिका लीजिए 2 मिनट तक, ऐसे बिना हिलाए उसी केंद्र पर 2 मिनट तक देखते रहिए, और 2 मिनट देखने के बाद आप एक सफेद दीवार पर तुरंत हटाकर, ऐसे ऐसे करेंगे ना, आंखों को जल्दी जल्दी झपकाएंगे, तो जो निगेटिव था उसका पूरा का पूरा फोटो आपको दीवार पर दिखाएगा, और पूरे रंगीन स्वरूप में, किस रंग का धोती पहने, कैसा कपड़ा पहने, कैसा दीवार है, कैसा टोपी है, पूरा का पूरा फोटो दिखाई पड़ेगा दीवार पर, आंखों को ऐसे ऐसे से झपकाने पर। मैं करके देखा हूं इसलिए बता रहा हूं। अब आता हूं लेकर आपको कथा में। भगवान के पास भी जाइए ना माई बाप, तो अखियों को ले जाकर उन पर टिका दीजिए। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दे, आंखों को ले जाकर टिका दीजिए एकदम भगवान पर। फिर क्या होगा महाराज, जब टिका लीजिएगा ना, और घर जाकर जब आंख बंद करिएगा, तो जिन भगवान को मंदिर में देखा था, वो भगवान घर में जाने के बाद भी हमको और आपको दिखाई पड़ेंगे, और तब मानिएगा कि हमारा दर्शन सफल हो गया। टिका दीजिए आंखों को। मंदिर में जाकर चाइना का झूमर मत देखिए, न मकराना का पत्थर देखिए। हमको पिछले बार कथा करने आए थे संजय भैया, काकरा धाम में जो भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना किए हैं, क्या अद्भुत स्वरूप। अब तक भैया उस स्वरूप का विस्मरण नहीं हो पाया। आप कभी बगल में है, आप जाकर दर्शन करना, दर्शन करिए, तो वो स्वरूप आपके साथ घर तक पहुंचना चाहिए। माई बाप मां नेत्र बंद की और लगी भगवान को निहारने, लगी निहारने। सखियां कहती हैं, सखियों को क्या मालूम कि सीता जी राम जी को ही देख रही हैं। सखियां समझी लगता है पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। सखियों ने कहा, सीता पार्वती जी कहीं जा थोड़ी रही हैं, मंदिर में ही मिलेंगी, ये चले जाएंगे, क्यों नहीं इनको जी भर के देख लेती हो। मेरी माँ नेत्र खोलकर भगवान को निहारती हैं, विलंब हो रहा है ऐसा जानकर सखियां कहती हैं सीता जी से, चलिए कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है, आज ही भर थोड़ी है, कल फिर आना है, चलिए। इशारे इशारे में राम जी को सुना गई कि प्रभु हम लोग कल फिर इस समय आएंगे, तो हम तो आएंगे ही, आप भी थोड़ी कृपा करिएगा और इसी समय से आप भी बाग में आ जाइएगा, फिर से आपका दर्शन हमको प्राप्त हो जाए। सखियां माँ को लेकर मंदिर में पहुंची, मेरी माँ मंदिर में गई पार्वती जी की, और जाकर सीधे स्तुति प्रारंभ कर दी। ये चौपाइयां आप सबको याद है, आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। पार्वती मैया के मंदिर में जाकर सीता मैया कहती हैं, जय जय गिरिवर राज जय गाय।
देवता सुति यमहु मातु प्रथम तव रे महिमा अमितन सकहि कहि सहस शारदासे। पार्वती मैया के मंदिर में पहुंचकर मेरी माँ जगत जननी जानकी जी कहती हैं, हे भवानी जी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ, आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता, न अंत का पता है, है? आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी जानने वाले नहीं है। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना माँ प्रथम आती है। आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थ को सहज प्राप्त कर सकता है। माँ, आप शिव प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। माँ, आप तो माँ सबके हृदय में रहती हैं, और जो हृदय में रहता है माँ, वो हृदय की बात जानता है। आप मेरे हृदय में हैं, मेरी हृदय की बात जानती हैं, आप जानती हैं माँ, इसलिए मैं आपसे कहूँगी नहीं। आप जिस बात को जानती हैं माँ, उसको बिना कहे आप पूरा कर दीजिए। माँ, आप मेरी सब बात जानती हैं। एक श्वास में सीता जी ने सब कह दिया, और इसमें ये बड़ी अच्छी बात, मोर मनोरथ आप जानहु नीके। नीक मने गुलाब भैया, नीक मने ठीक से, भोजपुरी शब्द है, भोजपुरी तो नीक मानो, नीक मने खूब बढ़िया, सुंदर, श्रेष्ठ, अच्छी तरह से। पार्वती जी से माँ जानकी कहती हैं, आप मेरे मन के मनोरथ को मेरे से अच्छा जानती हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं जानते, इसलिए जनवाते रहते हैं। याद रखिएगा, भगवान सब कुछ जानते हैं, अच्छा भी जानते हैं, बुरा भी जानते हैं। हमारे आपके घर में सीसीटीवी हम आप नहीं लगाए हैं, लेकिन ऊपर से पूरा सीसीटीवी लगा है, 24/7 चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला से कोई जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, श्री राम जानते हैं।
किस्मत में यही लिखा था, शायद मेरे किस्मत में ये नहीं था। जिसको देखिए किस्मत की बात करता है, साधक कहता है किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन। किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, सब जानते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बेटा भगवान कौन, भ ग व आ न पांच है, भ ग व आ न। भ से भूमि धरती, ग से गगन आकाश, व से वायु हवा, आ से अग्नि, व में आ की मात्रा रखती है ना, आ, आ से अग्नि आग, अन्न से नीर यानी नीर पानी, धरती आकाश अग्नि हवा और जल, इन सबको जो नियंत्रण करता है उस परम तत्व का नाम है भगवान, वही भगवान है। और जो भगवान है माई बाप वो सब जानता है, क्यों, इन्हीं पांचों से ये शरीर बना है, इन्हीं पांचों से मिलकर ये शरीर बना है, और जो इनके अथाह को जानता है वो इसके अंश को नहीं जानेगा, तो वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, भगवान सब जानते हैं। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कभी भगवान से मुख खोलकर मांगना मत, मांगिएगा तो घाटे में रहिएगा। देखिए सबकी अपने मांगने की औकात है और सबके देने का भी औकात है, मांगने वाला अपनी क्षमता से मांगता है, देने वाला अपनी क्षमता से देता है। हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान अपनी ओर से देंगे तो मेरे राम जी अपनी क्षमता से हमको प्रदान कर देंगे। तो नहीं मांगना, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। कहिए प्रभु आपको जो उचित लगे मेरे लिए आप वो करिए। कल कोई मिला था, महाराज कई बार परीक्षा दे चुका हूं कुछ हो नहीं रहा है। हमने कहा प्यारे जिस जो परीक्षा दे रहे हो उससे अच्छा होना होगा। राजन गायक बनना चाहते थे, गायक के बाद डॉक्टर बनना चाहते थे, ना गायक बन पाए ना डॉक्टर बन गए, आपके सामने कथावाचक बन गए और राघव जी की कृपा पूरी दुनिया घूम रहे हैं। अब आप बताओ इससे बढ़िया क्या होगा वो हो?
भगवान के हाथ में सौंपिए, प्रभु जो करना है कराइए, हम आपके हर आज्ञा में प्रसन्न हैं। सीता जी ने कहा, माँ आप मेरे मन की बात ठीक से जानती हैं, आप जानती हैं, पूरा करिए, मैं कहूंगी नहीं। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा गई और माँ के गले में जो माला पहनी थी माँ पार्वती जी, खसी माँ मूर्ति मुस्कुराने। आप कहीं पूजन में पुष्प चढ़ाएं और वो पुष्प गिर गया तो गिरा नहीं, गिराया गया। किसने गिराया? भगवान ने गिराया। आपकी मनोकामना पूरी हो गई, उसको प्रसाद मानकर उठाकर अपने घर लेकर जाइए। सीता जी से पार्वती जी ने कहा, सीता जी नारद जी का वचन सदैव सत्य है, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। पार्वती जी कहती हैं, सीता जी मनु जाही राते मिले ही सो बरो सहज सुंदर सावरो सानी सान सुजान शील सनेहा जानत रावरो एही भाते गौरे असीस सुनी सिय सही तरिय हर सी जान गौरी अनुकूल सियहिय हरष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग हर कर लगे। पार्वती जी ने सीता मैया से कहा, सीता जी आपके मन में जो रचा बसा है वही सहज सुंदर सांवला वर आपको प्राप्त होगा। परिचय क्या है? वो सांवले करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और सबसे अच्छी बात पार्वती जी ने कही, सीता जी वो राम जी स्नेह जानत रा, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को जानते हैं। आप किसी को प्रेम करो और वो आपके प्रेम को जान ले, माई बाप ये होता नहीं है। घर परिवार वाले कहां जान पा रहे हैं, फिर हमको जनवाना पड़ता है। आप समझ नहीं रहे हो हम आपको कितना प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान को जनवाना नहीं पड़ता, भगवान सब जानते हैं। सीता जी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बारंबार पूजन करके सखियों के साथ प्रसन्न मन से अपनी माता जी के पास गईं। और इधर राम जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास आए और आप दर्शन करिए, राम जी ने गुरु जी से सब बताया, छिपाव का काम नहीं, सब बताया। अब क्या बताया होगा आप विचार करो, राम जी गुरु जी से क्या बताए होंगे। राम जी आए कहें, गुरु जी हम पुष्प दल लाए हैं और गुरुदेव बाग में ना जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी और वो हमको देख रही थी गुरु जी, यही ना बोले होंगे और क्या बोले होंगे, मैया प्रभु को देख रही थी। राम जी बोले, गुरु जी हमको देख रही थी। गुरु जी ध्यान में गए और देखे कि सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया, तो राम जी से गुरुदेव बोले, राम सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, आइए अपने राम को मैं आशीर्वाद देता हूं। सुपला मनोरथ हो तुम्हारे, सुपला मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन
आशीर्वाद मिला गुरु जी का, राम लक्ष्मण जी दोनों प्रसन्न हो गए। राम जी तो ठीक है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी जाने क्यों प्रसन्न हो गए, भैया प्रसन्न हो गए तो वो भी हो गए। एक महात्मा कह रहे थे कि उन 8 सखियों में उर्मिला मैया भी आई थी, तो लक्ष्मण जी उर्मिला मैया को भी देखे थे, लेकिन हम गुरु जी से कहे कैसे, तो गुरु जी अंतर्यामी दोनों की बात समझ गए, तो गुरु जी ने दोनों को एक साथ आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम दोनों के, राम लखन सुनी भाई सुखारे, प्रसन्न हो गए। अनेक भाव है महापुरुषों के। पुष्प प्राप्त करके गुरुदेव ने पूजन किया, भोजन, दोपहर में विश्राम, संध्या बेरा में संध्या भई, रात्रि में बयारू आरती, भोजन फिर विश्राम। प्रातः काल भया, आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को यज्ञशाले में बुलवाया है। आपसे निवेदन करूं, राम जी जब रंग भूमि में पहुंचे तो पूरी प्रजा उपस्थित है जनकपुर की, लेकिन राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? जैसा चश्मा लगाइएगा वैसी दुनिया दिखाई पड़ेगी। लाल रंग के चश्मे में लाल दिखाई पड़ती है, काले रंग में काली दिखाई पड़ती है, पीले में पीली दिखाई पड़ती है, नहीं लगाइएगा तो साफ दिखाई पड़ती है, और खराब हो गया तो लगाने के बाद दिखाई पड़ती है। भगवान एक सबको अलग अलग दिख रहे हैं। वीर योद्धाओं को राम जी परम वीर दिखाई पड़ रहे हैं। जो असुर कपट का रूप धारण करके आए हैं उनको राम जी साक्षात उनका काल दिखाई पड़ रहे थे। ज्ञानियों को राम जी परम तत्व दिख रहे थे, भक्तों को भगवान दिख रहे थे, जनकपुर के नर नारियों को रिश्तेदार दिख रहे थे, जनक जी सुनैना जी को तो पुत्र दिख रहे थे। अब कहते कहते गोस्वामी जी कहे हम कितने लोगों के बारे में कहेंगे, एक ही साथ सबका कह देते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को यज्ञशाले का दर्शन कराया, क्या क्या रचना है। विश्वामित्र जी देखे बोले दिव्य बनाया महाराज आपने, भली रचना। हमारे महाराज जी कहा करते कहीं भी जाओ ना, और कोई आदमी आपको अपना घर दुकान गाड़ी दिखाए तो खूब प्रशंसा करो। क्यों? बुराई वो उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही दिखा रहे हैं। यदि आपने कमी निकाली तो समझिएगा चाय भी गया आपका, ऐसे ही केवल पानी पिला के भेज देगा बाहर। पहले खूब प्रशंसा करिए, एकदम गदगद हो जाए तो चाय पिलाना वाला हो तो भोजन करा के विदा करे, फिर घर जब पहुंच जाइए तब जाकर कहिए फोन करके, भाई साहब सब तो ठीक था, वहां थोड़ी गड़बड़ी थी उसको ठीक करा लीजिएगा। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, भली रचना, दिव्य रचना बनाया महाराज आपने, इतनी प्रशंसा कर दी। जनक जी बोले बाबा जी को सबसे मेन कुर्सी दिया जाए, सबसे बड़ा आसन इनको दिया जाए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तो बंधुतः बैठा रे महिमा। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे और अगल बगल दो छोटे आसन पर एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे बाई ओर और गुरु जी की दाहिनी ओर राम जी बैठे। जनक जी महाराज ने सीता जी की सखियों को कहा कि मेरी सीता को रंग भूमि में लेकर आया जाए, मेरी मां के हाथ में जयमाल है, हो जयमाल है। अब मां की सखियां चारों ओर से मां को घेरी हैं और गीत गा रही हैं, गावे है गीत मनोहर बानी, मनोहर बानी क्या, अरे सुंदर सलोनी प्यारी, अरे मिथिला दुलारी है सिया जू जी।
को देखकर मन ही मन कहते हैं सीता जी की तुलना में किसके साथ करूं, पार्वती के साथ करूं क्या? लेकिन पार्वती जी का तो आधा ही शरीर है। अच्छा, सरस्वती जी के साथ कर दूं, लेकिन वो तो बहुत बोलती हैं। अच्छा, रति के साथ करूं? नहीं नहीं, रति तो अपने पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है, वो भी नहीं है सुंदर। फिर लक्ष्मी जी के साथ करूं? नहीं, लक्ष्मी जी का भाई विष है। के ही पट तरियो विदेह कुमारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी। जब कोई एक भी उपमा मन में नहीं ठहरी तो यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज एक नई लक्ष्मी जी को प्रकट कराया। लक्ष्मी जी कैसे आई हैं आपको मालूम है ना? देवता और दैत्य मिलके क्षीर सागर का मंथन किए, समुद्र का, तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में एक लक्ष्मी जी भी है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं वो क्षीर सागर था, यहां समुद्र किसका बनेगा? जौ छवि सुधा पयो निधि हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो जाए। वहां भगवान कक्षप अवतार धारण करके समुद्र में बैठे थे, तो भगवान कक्षप के पीठ पे मंदार पर्वत को रखा गया। बिहार में बांका जिला में मंदार पर्वत है, कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा। मंदार पर्वत भगवान कक्षप के पीठ पे रखा गया और शेष नाग को रस्सी बना के लपेटा गया। आज भी मंदार पर्वत पर शेष नाग के छाप दिखाई पड़ते हैं उनके लपेटे जाने का। और एक ओर से देवता पकड़े, एक ओर से दैत्य पकड़ के समुद्र का मंथन किए, तब जाकर 14 रत्न निकले। वो स्वामी जी कहते हैं छवि रूपी अमृत का समुद्र हो जाए, परम रूप कछुआ बनकर उस समुद्र में बैठ जाए और उस परम रूप के ऊपर श्रृंगार ही मंदार पर्वत बनकर बैठ जाए। श्रृंगार का मंदार पर्वत परम रूप में कछुए के पीठ पर बैठा है और शोभा की रस्सी बनाकर उस श्रृंगार के पर्वत को लपेट दिया जाए और उस शोभा की रस्सी को कामदेव अपने हाथ में पकड़ के जब उस अमृत का मंथन करेंगे और इस प्रकार जो लक्ष्मी जी निकलेंगी उनको देखकर भी कवियों को कहने में संकोच होगा कि ये लक्ष्मी जी मेरी सीता जी इतनी सुंदर है, उसमें भी कवियों को संकोच होगा। माँ इतनी सुंदर है, माँ जब आई माँ के रूप को देखकर पूरा रंग भूमि मोहित हो गया। माँ जाकर जानकी जी अपनी माँ सुनैना जी के पास बैठ गई। अब महाराज जनक ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन खड़े हो गए, मध्य सभा में गए, एकदम बीच में, और दोनों हाथ को ऊपर करके कहने लगे, हे दीप दीप के महाराजा, ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो इस धनुष को तोड़ेगा तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी
और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू उस वीर का वर्ण करेंगी। आप ध्यान से धनुष को निहार लीजिए। जैसे बंदी जनों ने सुनाया, राजा एक साथ खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, एक साथ मिलके तुड़ियो, काहे के लाने खड़े हो गए सब। बंदी जन कहते हैं, एक एक करके आइए, एक एक करके आप दर्शन करिए। राजा खड़े भय, परिकर बांध उठे अकुलाई, खड़े भय अपना परिकर बाणे कपड़ा, मुकुट सम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और मन ही मन कहते हैं, प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिएगा टूट ही जाए। एक महात्मा कहते थे, उस सभा में 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने भगवान से कहता था टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से कहते थे, प्रभु इससे न टूटने पावे। अब कहाँ एक राजा की प्रार्थना, कहाँ हजारों राजाओं की प्रार्थना। ऐ राजा एकदम तम तमा के तम की ताक तक इसी वधन उधाई उठाई ना को भांति बल करी, जाकर करोड़ों उपाय करते हैं, खड़े होकर लेट कर बैठ कर। ऐ तोड़ना तो तूर कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया। जब हार गए तो छोड़ के चल पड़े। अब दूसरा राजा चला है, पूरा व्यायाम कर दे। तो जो राजा जा रहे थे वो देख कर, हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र हिलाया भी नहीं। जब किसी से धनुष खिसका तक नहीं, तो राजाओं ने निर्णय किया, मिलके तोड़ दे, मिलके तोड़ देते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, करेगा वही जिसको करना है। कितनों मिल जाओ, मई में सब लोग मिल रहे थे ना, सब लोग मिल गए, मिल के सब राजा मिल गए, एक साथ मिल के तोड़ेंगे। किसी ने कहा, मिल के तोड़ देंगे तो दूल्हा कौन बनेगा। यह समस्या वहां भी थी, मिल के तोड़ेंगे तो दूल्हा कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। एक ने कहा, पहले टूटने दो, टूटने के बाद हम आपस में युद्ध करेंगे, लास्ट में मारा मारी तो बचाए आपस में, और क्या बचा बताओ, आपस में युद्ध करेंगे, जो विजेता होगा वही वो उसी के साथ विवाह होगा। 10,000 राजा लगे हो। बाबा कहते हैं, इति भूप साहस दस हजार राजा लगे। परंतु जिस प्रकार अपने पति के चरणों में निष्ठ स्त्री का मन कामी व्यक्ति के वचनों को सुनने के बाद अपने पति के चरण का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार 10,000 राजाओं के लगने के बाद भी धनुष ने अपने स्थान का तिल मात्र त्याग नहीं किया। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी ने देखा कोई धनुष को तिल भर नहीं हिलाया, मारे आवेश के जनक जी खड़े हो गए। खड़े होकर जनक जी ने कहा, दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं यहां पर, आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। देवता दैत्य मनुष्य नर नाग सब शरीर धारण करके आए, अरे अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धरती से तिल मात्र खिसकाया तक नहीं धनुष को। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे आज लगता है
इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य बनाकर ब्रह्मा जी ने किसी को इस धराधाम पर भेजा ही नहीं है। आज के बाद आप में से कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं, मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई है। इतना सुनने के बाद भी कोई राजा हिल नहीं रहा है, क्यों? राजा आपस में बात कर रहे हैं, अरे हमसे नहीं टूटा तो कौन तोड़ दिया, किसी से नहीं टूटा, इसमें शर्माने की कौन सी बात है। और महाराज अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, विवाह तो करवे करेंगे, हो सकता है लॉटरी निकाली जाए और उसी लॉटरी में कहीं हमारा नाम फंस गया तो अभी चांस है। इसलिए एक भी राजा जा नहीं रहे हैं। किसी ने जाकर जनक जी से ये बात कही, जनक जी ने कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखान विधि वैदेही विवाहु। मैं जान गया मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा हुआ है। क्या बैठे हैं आप? यदि आज प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाती है, प्रण पे बना रहता हूं तो बेटी कुमारी रह जाती है। जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं जनक अपना उपहास कदापि न कराता। जब पहली बार जनक जी ने वीरत्व को ललकारा है कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, है लक्ष्मण भैया पूरा शरीर क्रोध से भर गया, लेकिन किसी तरह क्रोध को शांत किए। क्यों? बड़े भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, बड़े लोगों के सामने छोटे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पहली बार तो शांत कर गए। जब दूसरी बार जनक जी ने कहा कि जाओ जन त्यों बिन भट भूमि भाई ताओ पन करी होते हूं न हताई, ऐ लक्ष्मण जी सुने मारे क्रोध के माखई लखन कुटिल वैभव है, रद पट फरकत नयन इनसो है, होठ फड़फड़ाने लगे, ये भाव है कुटिल हो गई, खड़े भय राम जी को प्रणाम करके कहे भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा रहता है, उस सभा के मध्य में जिस वाक्य का प्रयोग जनक ने किया, आपके रहते ये सर्वथा अनुचित है। जनक ने कहा आपके रहते धरती पर कोई वीर नहीं है, आपके रहते मैं बताऊं वीर कौन होता है। प्रभु कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहौं सुभावन कछु अभिमानु, कहौं सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। आप कहिए कंद कैव ब्रह्मान लक्ष्मण जी गरज गए, कहे प्रभु आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं, आपके रहते आप कहिए प्रभु मैं। जनक जी ने कहा कोई धनुष नहीं उठाया, धनुष क्या है प्रभु, आप कहिए। ये लक्ष्मण पूरा ब्रह्मांड उठा लेगा आज हाथ में। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़ कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं प्रभु ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, आप कह के देखिए ये लक्ष्मण आपके सामने सुमेरु पर्वत लाकर रखेगा। मैं धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। बच्चे जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध प्रभु
ये लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में तीर और धनुष धारण नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी गरजे कहां? मिथिला में। अब पूरे ब्रह्मांड की गति का दर्शन करिए। लखन सको पावन दे जिस प्रकार कमल के डंठल को खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड करूंगा। बरसात में छत्र निकलता है, बच्चे रौंद देते हैं, मैं धनुष को रौंद दूंगा। लेकिन सब करूंगा, अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके भरोसे करूंगा। ये आवेश में भी विवेक कहते हैं, आपके भरोसे करूंगा प्रभु। अब यहां पर लोग कहते हैं कि गुरु जी और राम जी के सामने लक्ष्मण जी का इस तरह गरजना उचित है क्या? बिल्कुल उचित है। मानस में कहा गया है, संत शंभु श्री हरि अपवादा, सुनिय जहां तहां असि मर जादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। संत की, शंकर की और हरि कहे तो मेरे राम की, जिस सभा में निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वाली जिह्वा काट दो, और शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। लक्ष्मण जी कान बंद करके भागने वालों में से नहीं है, इसलिए एकदम फेटा बांध के तैयार हो गए, उलाट पलाट दूंगा सब। अब लक्ष्मण जी एकदम पहुंचे हैं धनुष के पास, भैया इशारा किए कि मैं तोड़ा, और इधर सीता जी राम जी तो प्रसन्न हो गए, गुरु जी भी एकदम आनंद में आ गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम छुटका खड़ा भैया, सब पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी, ये तो ट्रेलर है अभी। अब लक्ष्मण जी कहते प्रभु कहिए तो तोड़ूं, और राम जी सोचते हैं तोड़ना हमको है, अरे छुटके बेचैन है तोड़ने पर। गुरु जी लक्ष्मण जी के स्वरूप को देखे, उनको लगा कहीं तोड़ी मत दे। राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे वो। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, लक्ष्मण जी प्रभु को देख रहे थे, भगवान ने आंख के इशारे से कम हियर माय डियर प्रभु। सयन ही रघुपति लखन प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बुला के बगल में बिठाया, कहे भैया कितना सुंदर बोला आपने, इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था, आप इशारा करते ना तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ आपके रहते, जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, आपने उचित उत्तर दिया जनक जी को। इधर राम जी लक्ष्मण जी से एक और बात कहते हैं, कहते भैया ससुर जी होने वाले हैं जनक जी। अरे नाम लिए तो तनिक आगे पीछे जी श्री महाराज जोड़ लिए रहते, जनक जी बोल देते, आप तो सीधे जनक पे उतर आए। जनक अभी विवाह के पहले ही संबंध खराब करवाइएगा, आदर से बोलते हैं किसी का नाम। इधर गुरुदेव ने विचार किया, अब मुहूर्त आ गया है, राम जी की ओर देखकर गुरुदेव ने कहा उठहु राम भन्नहु भव चापा, उठहु राम भन्नहु भव चापा, मेट पास जनक हरि चापा, मेट पास जनक हरि चापा।
क्या कहा, उठहु रामा भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी से गुरुदेव ने कहा, राम उठिए और धनुष को तोड़िए मत, इसको भंज दीजिए। भंजने का अर्थ है इतना खंड करिए कि जनक जी महाराज बाद में जुड़वाना चाहे तो जुड़वा ना पावे। राम जी खड़े भए और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। राम जी जैसे चले, मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे सारे लोग अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों का सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए, बच्चे जैसे कमल के डंठल को तोड़ते हैं उसी प्रकार राम जी ये धनुष को तोड़ दे। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी को बुला के कहती है, सखी इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है, है? मान सरोवर का हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, जिस धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं किए उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा, बालक के लिए ऐसा हट उचित नहीं है, कोई इसको मना क्यों नहीं करता। उस सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है, बड़े से बड़े देवता एक छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं, विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है, मटके से घड़े से जन्म लिए थे अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी गए, कामदेव पुष्प का बाण चलाकर विश्व को जीत लेते हैं। मेरी बात मानिए, ये जो छोटा है ना यही बड़ा काम करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में रहिए बस। सीता मैया पार्वती जी से कहती है, हे भवानी जी, आपने हमको आशीर्वाद दिया था, ये धनुष शंकर जी का है, धनुष वही तोड़ेगा जिससे शंकर जी चाहेंगे, और मैं ये भी जानती हूं कि पुरुष और किसी की बात माने चाहे ना माने, अपनी अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है, तो आप बाबा की अर्धांगिनी हैं, आप मेरी ओर से तनिक सिफारिश करिए ना बाबा से कि राम जी के ही हाथों से अपने धनुष को तोड़वा दें। माँ पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति जी से सबसे प्रार्थना करती हैं, अंत में धनुष से प्रार्थना करती है, माँ हे धनुष देव, लोग कहते हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करेंगे प्रभु जब आपके पास आवे ना तो आप अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं इनके सिर पर रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देख करना पुष्प जैसा हल्का हो जाइएगा। माँ प्रेम मंत्र का जाप करती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सने की व्याकुलता देखकर मेरे प्रभु श्री राम धनुष की ओर निहारते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को धनुष की ओर देखते हुए देखे और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे वराह, दिग्पाल, कक्षप, आप सब लोग मिलके धरती को पकड़ लीजिए, क्यों भैया मेरे धनुष को उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ ये धरती ही ऊपर उठ जाए, इसलिए आप धरती को पकड़ के बैठे रहिए। राम जी धनुष के पास गए, प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगाने के बाद प्रभु धनुष को प्रणाम किए,
धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए और उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद राम जी धनुष के बीच में मध्य भाग में ले जाकर राम जी ने अपने कर को रख दिया और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया बिजली की चकाचौंध चमकी। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने ए जी दम के उदामिनि जी में जब आयो पुनि न बदल मंडल सम भयो ए त चढ़ावत के तत गाढ़े काहु न लका एक सब थाल जय जन राम माथ धन तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोरा रब रब पाल सति मान चले जी करई ती गज डोल मैया खोल मोह मतल भले सुरया सुर मुनि कर दीन सकल विकल विचारई को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारई हा जयति वचन उचारई हा जयति वचन उचारई। भगवान ने बिजली के चमक के मध्य में ही धनुष को उठाया झुकाया तो धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने पट से भटक कर भागने लगे। शेष वराह कक्षप सब धुरी पर कलमला उठे अपने संत सुर नर असुर मुनि सब अपने अपने कान बंद कर लिए। पूछते हैं ये कैसी ध्वनि थी। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है लेकिन राम जी में कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो तरफ लोग दौड़ दौड़ कर सूचना देती हैं राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया। भारी धनुष को तोड़ दिया तोड़ दिया। भंजेउ राम शंभु धनु भारी। अब सतानंद जी ने मेरी माँ सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाइए। मेरी माँ हाथ में जयमाल लेकर आगे आती हैं। चतुर सखी ने इशारा किया सीता मैया को जयमाल पहनाने के लिए राम जी को। माँ हाथ उठाती हैं पहुँच नहीं पाती हैं। सखियों ने राम जी से प्रार्थना किया प्रभु अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी कर पहुँचत नाही तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही क्यों बन
कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, 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 मन न धरत मेरो जी रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, दया करो रघुवीर ललित से। प्रभु बिनु माला दुलहिन नहीं पई हो, बिनु माला दुलहिन नहीं पई हो, 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 बिनु माला दुलहिन नहीं पई हो, बिनु माला दुलहिन नहीं पई हो, निम कुल की जागे सखियां अनेक प्रकार से प्रभु से कहती हैं झुक जाइए, लेकिन राम जी तनिक भी नहीं झुके। अब सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया, घेर कर लगी राम जी को गाली देने। गाली मतलब कहती है, देखो कितना काला कलूटा दूल्हा आया है, देखो देखो ऐसे दूल्हे को ऐसी दुल्हन मिलनी चाहिए। सखियां कहती हैं, अरे दूल्हा के रंग आसमानी, लले के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लले के रंग बादामी, अब दुल्हा के रंग आसमानी, लले के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लले के रंग बादामी, काली काली जुल्फे और काली जुल्फे और लट घुंघराले, काले काले जुल्फे और लट घुंघराले, काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे कुसुम कली मन माने लाले, चंद्र बदन मुख
रस सानी बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत अरे बादल बरसत बादल बरसत अरे बादल बरसत बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत सखी प्रेम रंग में रंगानी रंग हसवानी लल के रंग बादामी का वही छवि अब लोकी सहेली 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 सिय जय माल राम उर मेली सिय जय माल राम अभी आधा विवाह भया है बराती आगे का हो अच्छा। तो बराती आगे तो बरात ले चली जाए। अभी जैसे माँ ने प्रभु के गले में जयमाल डाला आनंद उत्सव मनाया गया तब तक परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। किसने तोड़ा किसने तोड़ा? राम जी जाके बोले प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा। परशुराम जी बोले राम दास का व्यवहार नहीं शत्रु का व्यवहार है, निकाल कर बाहर करो नहीं तो जितने राजा हैं सबको मारूंगा। यहां पर राम और परशुराम जी में बड़ी दिव्य वार्ता भई है। भगवान के स्वरूप का जैसे पता चला परशुराम जी को, पूरा का पूरा आवेश उनका भगवान में प्रवेश किया और राम जी को प्रणाम करके वो चले गए वन में तप करने। विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी महाराज दूतों को पत्र देकर मिथिला भेजे हैं, अयोध्या भेजे हैं। महाराज दशरथ के पास पत्र मिला और गुरुदेव से मुहूर्त पूछकर महाराज बरात साज कर चल पड़े। बरात सजी अयोध्या में मिथिला जाने के लिए और चल पड़ी। अयोध्या के संत गाते हैं अवधान गरिया से। आप में से किसको किसको बारात में चलना है हम उठा ले भाई। तो आप नहीं जाओगे? अरे अवधान गरिया से अरे चलली बरियतिया हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो हे सुहावन लागे
देवता ना मिली चलल बारी अतिया है सावन लागे सब देवता ना मिली सब देवता ना मिली चलल बारी अतिया है सावन लागे अब बजवा बजेला घन के शब्द सुनी भूल से मोरी छतिया है अयोध्या से चलकर चार दिन में मिथिला पहुंची है। अयोध्या से लेकर मिथिला के बीच में जितनी नदियां थीं, जनक जी ने सभी नदियों पर सेतु बनवाया। स्थान स्थान पर बर्फ बारात के भोजन जलपान रुकने सोने की दिव्य व्यवस्था अयोध्या से लेकर मिथिला तक महाराज जनक ने बनवाई है। बारात पहुंची मिथिला में, जनवासे में बारात को स्थान दिया गया है। विवाह के 15 दिन पूर्व बारात मिथिला पहुंच गई। किस दिन विवाह होना है अभी मुहूर्त नहीं निकला है, अब बारात पहले ही पहुंच गई। क्यों? जब दूल्हा पहले से ही पहुंच के बैठा हुआ है तो बारात पहुंच गई, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इधर मिथिला के लोग ब्रह्मा जी से दिन रात मनाते हैं। ब्रह्मा जी, अब तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि थी, आज से आप 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात करिए। क्यों? ये जो सुंदर अवसर मिला है ना, सुख का समय, हम नहीं चाहते ये समय शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी आपस में लोग दिव्य वार्ता करते हैं, महाराज जनक कितने बड़भागी हैं, सीता जी जन्म ली, कोई कहता है दशरथ जी कितने बड़भागी हैं, राम जी अवतार लिए, उसी में कोई कहता है सबसे बड़ भागी हम लोग हैं। क्यों? हम लोग इन्हीं शरीर में सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं, हमसे बड़ भागी संसार में दूसरा कोई नहीं। सखियां आपस में बात करती हैं, क्या पता चला है बारात में भी दो आए हैं? अच्छा हाँ, तो एक कहती है उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक कहती हमको तो नाम भी पता चल गया है, सांवले का नाम भरत है, गोरे का नाम शत्रुघ्न है। तब तक दूसरी कहती है ये चारों भाई हैं, खास भाई हैं। तो एक कहती है यदि चारों भाई हैं तो फिर तो मैं ब्रह्मा जी से कहूंगी, ब्रह्मा जी बारात भले एक के लिए आई हो, आप ऐसा कुछ करिए
कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहाँ से कोई भी कुंवारा लौट के वापस न जाने पाए, सबका विवाह यही हो जाए। मुहूर्त निकाला गया, अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। इस वर्ष ये मुहूर्त 1 दिसंबर 2019 को है और उस दिन श्रीधाम अयोध्या में 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री राम कथा गाई जाएगी और पूज्य मामा जी प्रातस्मरणीय पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी के परिकर लोग संध्या वेला में रामलीला का वहां पर प्रदर्शन करेंगे और मामा जी के संकल्पानुसार इस वर्ष श्री जानकी घाट में अवस्थित श्री राम वल्लभा कुंज में श्रीधाम अयोध्या जी में 9 दिनों तक श्री राम सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। पूज्य महाराज श्री कथा गाएंगे, हम लोग बैठकर श्रवण करेंगे। आप में से भी जिसको जिसको अयोध्या आना है, आपको हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत। मुहूर्त आ गया हो, बरात के दिन बरात जनवासे से सज धज कर चली, भगवान दूल्हा रूप में सजे हैं, सखियां आनंद मना रही हैं। भगवान के इस दूल्हा रूप का दर्शन ब्रह्मा जी 8, शंकर जी 15 और कार्तिकेय जी 12 नेत्र से करते हैं, इंद्र हजार हजार नेत्र से देख रहे हैं। बरात द्वार पूजन के लिए पहुंची, द्वार पूजन भया और द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को भीतर ले गई। आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा, पावन चरणवा पाके पावन चरणवा, पावन चरणवा पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा, धनिर किशोरी मोरी जिनके करनवा, धनिर किशोरी मोरी जिनके करनवा, सुलभ भइल आज दुर्लभ चरणवा, हजुए सुफल भइल दिनवा पाके पावन चरणवा, हजुए सुफल भइल दिनवा पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा, जिनका के देखे लागी सुन मोरी सखिया, विधि न बनवल नहीं दूनो अखिया, विधि न बनवल नहीं दूनो अखिया, सही आज आँख के समनवा पाके पावन चरण, प्रताप मनवा में लागे हमके, प्रताप मनवा में लागे हमके, इनहीं से नाता बा जन्म जन्म के, इनहीं से नाता बा जन्म जन्म के, इहे सबके इहे सबके जीवन के धनवा सखियां भीतर ले गई, राम जी को आरती उतारती हैं और उसके बाद भगवान विवाह के मंडप में बैठे। साक्षात भगवान सूर्य प्रकट होकर मंडप में बैठकर अपने वंश की परंपरा बता रहे हैं।
वेद ऋचा पढ़ने के लिए चारों वेद उपस्थित भए हैं। अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति को स्वीकार करते हैं। जनक जी महाराज ने पूरे बरातियों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था बनाई है। जिस प्रकार शंकर भगवान के विवाह में हिमांचल महाराज और मैना मिलकर शिव जी के पांव को धोए थे, उसी प्रकार सोने की थाल में जल लेकर महाराज जनक और सुनैना राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, अरे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकारी नभ नगर कान शान जय धुनि उमगि जन चहुती से चली जे पद सरो जैसे जनक जी महाराज राम जी के चरणों को पखारने लगे, वहां जितने लोग बैठे थे सब आपस में बात करने लगे कि जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है, ये वही पद है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं, ये वही पांव है जिसके स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज इस पूरी सृष्टि में जनक जी से अधिक बड़भागी दूसरा कौन मिलेगा। पूरी सभा जनक जी महाराज का जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। साखोचार भया। राम जी की ओर से गुरुदेव वशिष्ठ जी किए, सीता जी की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार किया। अब पानी ग्रहण संस्कार का समय आया। जनक जी ने हाथ में जल लिया, कुशाली सीता जी का हाथ लिया और नीचे राम जी ने हाथ लगा दिया। जनक जी महाराज बोले, मैं अग्नि को दिशाओं को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को कन्या दान के रूप में राम जी को समर्पित करता हूँ। राम जी बोले, मैं अग्नि को दिशाओं को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को कन्या दान के रूप में स्वीकार करता हूँ। कन्यादान भया। देवता जय जयकार करने लगे। हिमवंत जी में गिर जा ग्रहण के बाद विधिवत होम भया, होम के बाद गठबंधन भया, गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। अब भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश देते हुए कहा, राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर दान करिए। जैसे मुनियों ने सिंदूर दान के लिए कहा, बाबा कहते हैं, राम सिया सिर सिंदूर दे बहुरी वशिष्ठ दीनयानुसार
मेरी माँ के मांग में सिंदूर दान किया। जितनी सभा में लोग थे सब एक स्वर में बोल पड़े, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब गुरुदेव भगवान ने दूल्हा दुल्हन को एक आसन पर बैठने के लिए कहा। मैया प्रभु के साथ बैठी। इधर गुरुदेव भगवान जाकर जनक जी से कहते हैं, महाराज और बेटी बच गई है का घर में? जनक जी कहे, गुरु जी तीन बेटियां बच गई हैं। गुरु जी बोले, यदि तीन बेटियां हैं तो हमरो पास तीन गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको। उसी मंडप में लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ, भरत भैया का विवाह जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटी बेटी मांडवी जी के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुति कीर्ति जी के साथ भया। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन चार, चार सखियां स्वरूप देखी तो गाने लगी क्या, अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारो कमाल सखिया, चारों दूल्हा में
दुल्हा सरकार की बैठ जाइए। जो जहां है वहीं बैठ जाए। आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, चारो दूल्हा में ई बड़का कमाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाँ, चारो भाइयों का विवाह भया। इसके बाद सखियां कोहबर में ले गईं, कोहबर के बाद भोजन कराने बिठाई। भोजन भोजन। जैसे भोजन शुरू भया, सखियां गाली देना शुरू कर दी। यहां बुंदेलखंड में गाली दी जाती है? हाँ, हम पूछ रहे हैं। सखियां लगी गाली देने, अरे छयलवा, अरे दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारे, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारे, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारे, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारे, छप्पन भोग छत्तीसो गंजन, छप्पन भोग
अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी छयलवा को नहीं हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को नहीं हो चुनी चुनी बहन थी शांता, राजकुमारी थी तो राजकुमार से विवाह होना चाहिए था, लेकिन उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से भया। सखियां कहती हैं, देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार, परंतु ले भागे छयलवा को नहीं हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को नहीं हो चुनी चुनी गारी, दुलहवा को नहीं हो चुनी चुनी गारी। लूट न जावे अवधान नगर की, 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 सारी कन्या कुमारी छयलवा को नहीं हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को नहीं हो चुनी चुनी गारी, दुलहवा को नहीं हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, सिया अली बलिहारी सरकार की जय, दुल्हिन महारानी की जय, आज के आनंद की जय। विवाह संपन्न भया और ऐसा संत कहते हैं कि विवाह के बाद 15 दिनों तक बरात मिथिला में ही रुकी रही। यदि मिथिला में 15 दिन रुक सकती है तो क्या दमोह में 1 दिन नहीं रुक सकती है? इसलिए विदा की कथा हम आज नहीं गाएंगे, कल और आप, हम और आप विदा से आगे कथा को श्रवण करेंगे। भगवान पूरे बारात के साथ मिथिला में ही विश्राम करते हैं। इसी दृश्य के साथ आज की बेला को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। आप सबको मेरी माँ जानकी जी और प्रभु श्री सीताराम जी के इस दिव्य विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो, बधाई हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम।
भगवान जी की, बाल कृष्ण भगवान जी की, उमापति महादेव जी की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।